नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सुपरफास्ट सेंचुरी में नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बलौदाबाजार में स्ट्रीट डॉग्स ने किया बच्चे पर जानलेवा हमला, कुत्तों के हमले से बच्चे की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा बच्चे का इलाज। संस्कारधानी के दौरे पर सबसे पहले प्रियंका गांधी पहुंची नर्मदा घाट, 101 पंडितों की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने किया मां नर्मदा की पूजा, कार्यकर्ताओं ने नर्मदा मैया की जय घोष लगाए। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा चुनाव के वक्त ही कांग्रेस को गंगा मैया नर्मदा मैया क्यों याद आती है। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता हुए उत्साहित, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने किया दावा, आने वाले विधानसभा चुनावों में 150 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने का किया दावा। दमोह से गिरफ्तार गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल की बिगड़ी तबीयत, चेस्ट पेन की शिकायत के बाद कराया गया अस्पताल में भर्ती, रिपोर्ट नॉर्मल, वापस जेल। दमोह प्रशासन ने गंगा जमुना स्कूल को जारी किया नोटिस, बिना अनुमति के भवन निर्माण का आरोप, 3 दिन में माकूल जवाब नहीं मिलने पर गिराया जाएगा भवन। गंगा जमुना स्कूल में जांच में जल्द आएगी तेजी, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद चलेगा अवैध कब्जे पर बुलडोजर। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पहुंचे सर्वे की रिपोर्ट देखने सीएमओ, कहा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर होगी नियमों के तहत कार्रवाई, स्कूल पर अवैध निर्माण का भी आरोप। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी आई सामने, मामूली विवाद के बाद कर्मचारियों ने युवक को बीच सड़क पर पीटकर किया जख्मी, वायरल वीडियो के आधार पर निगम अफसर और पुलिस करेगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से शुरू होगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, नामांकन में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को मिलेगा 5% आरक्षण, 1 जुलाई से काउंसलिंग की जाएगी। सीहोर में कुरियर कंपनी के कर्मचारियों ने असली की जगह कराई नकली पार्सलों की डिलीवरी, शिकायत के बाद लॉजिस्टिक्स कंपनी के 3 कर्मचारियों पर मामला दर्ज, ठगों ने एप्पल वॉच की जगह कराई थी बच्चों की घड़ी की डिलीवरी। देवास में अंजलि हत्याकांड के विरोध में निकला कैंडल मार्च, गौली समाज ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की रखी मांग, दहेज नहीं देने पर पति ने की अंजलि की हत्या। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जीतू पटवारी पर तंज, बोले साधु संतों पर है सबका विश्वास, कांग्रेस जीत के दावों को सिरे से नरोत्तम मिश्रा ने किया खारिज। खंडवा के मोरडक्का में नर्मदा में तेज धारा में फंसे 7 बच्चे, 2 बच्चों ने तैरकर बचाई अपनी जान, 5 बच्चों को गांव वालों ने जान पर खेलकर बचाया। इंदौर में रजिस्ट्रार ने की खुद को गोली मारकर खुदकुशी, खरगोन जिले में तैनात था राहुल सिंह जादौन, आत्महत्या के कारण अब तक नहीं पता चल सका। उज्जैन में गाड़ी चालकों से बदमाश कर रहे वसूली, हफ्ता नहीं देने पर पीटने का भी लगा आरोप, बदमाशों ने की थी पैसा नहीं देने वालों के साथ मारपीट। कटनी में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, 51,000 कलश लेकर निकली महिलाएं, हरिहर तीर्थ स्थल पर पहुंचकर खत्म होगी शोभा यात्रा। छिंदवाड़ा में स्टॉप डैम की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर को रेस्क्यू कर अस्पताल में कराया गया भर्ती, मोखेड़ा के कुकड़ी खापा में चल रहा था निर्माण कार्य। हरदा के छिपावड़ में जीतू पंडित की हत्या का विवाद नहीं थम रहा, नाराज ब्राह्मण समाज ने फिर किया प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सीहोर में पानी भरने को लेकर हुए 2 पक्षों के बीच विवाद में दोनों ओर से चले जमकर लाठी डंडे मारपीट में, घटना में 3 लोग बुरी तरह से हुए जख्मी, पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कटनी में श्री हरिहर तीर्थ का करेंगे भूमि पूजन, तीर्थ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा निर्माण, भूमि पूजन में शामिल होगा संत समाज। 2023 के महाभारत के लिए बीजेपी की तैयारी फुल, तरुण शुक शिवपुरी अशोकनगर और गुना में करेंगे बैठक, मुरलीधर राव छतरपुर और टीकमगढ़ में संभालेंगे मोर्चा। कमलनाथ के आरोपों पर नरोत्तम का पलटवार, कहा कांग्रेस ने दिया है मध्य प्रदेश की जनता को धोखा, कमलनाथ व्यापारी हैं, वो जनता के समर्पण और प्रेम को नहीं समझेंगे, जनता ये जान चुकी है। कांकेर के आलदंड जंगल में हुई माओवादियों से मुठभेड़, डीआरजी जवानों को भारी पड़ता देख मौके से भागे नक्सली, 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली मुठभेड़, 1 महिला नक्सली ढेर।
बलरामपुर के राजपुर नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास है 6 पार्षद, दोनों दलों को क्रॉस वोटिंग का है डर। रायपुर में जलमितान युवा उद्यमिता का सीएम ने किया शुभारंभ, मंत्री गुरु कुमार रुद्र भी रहे कार्यक्रम में मौजूद, जल जीवन मिशन और यूनिसेफ ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कोरबा दौरे पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंची कुमारी शैलजा, मिशन 2023 को लेकर मंथन होगा। कोरबा पहुंचने पर कुमारी शैलजा का मंत्री जय सिंह और सांसद ज्योत्सना ने किया स्वागत। ओम माथुर के दौरे पर बोले अरुण साहब, कहा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए बीजेपी का चल रहा महाजनसंपर्क अभियान, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से होगा सीधा संवाद नेताओं का। महेंद्रगढ़ में रिफेराली में राशन की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, लाखों का माल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा के लिए 14 तक होगा आवेदन, 6 जुलाई को आयोजित होगी पूरक परीक्षा, 20 जून तक विलंब शुल्क के साथ किया जा सकेगा आवेदन। रायपुर में 23 जून को पावर कंपनी मुख्यालय पर होगी आम सभा, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पावर कंपनी महासंघ करेगा प्रदर्शन, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी होगी मांग। धमतरी की पुरानी मंडी में लगेगी ओम माथुर की चौपाल, सम्मेलन में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक, चुनावी तैयारियों पर होगा पार्टी में संवाद। रायपुर में अरुण साहब का बड़ा बयान, सरकार अपनी विफलता छिपाने की कर रही कोशिश, विकास योजनाएं छत्तीसगढ़ में दम तोड़ रही हैं, विकास का काम भी प्रदेश में हुआ ठप। धमतरी में बीजेपी को मिली मजबूती, सम्मेलन के दौरान 1000 लोगों ने बीजेपी में किया प्रवेश, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भगवा गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी को बताया प्रदेश में मृत प्राय प्राणी, कहा सम्मेलनों से नहीं सुधरेगी बीजेपी में बात, विधानसभा चुनावों में फिर पानी पिलाने का किया दावा। जशपुर के तपकरा कुनकुरी जंगल में लगी भीषण आग, असामाजिक तत्वों पर आगजनी करने का संदेह, आग की चपेट में आने से कई कीमती पेड़ पौधे हुए राख। नारायणपुर में फिर सामने आई नक्सलियों की कायराना करतूत, 2 गांवों में लगाया नक्सली बैनर पोस्टर, नदी पर बन रहे स्टॉप डैम को बंद कराने की दी चेतावनी। मनेंद्रगढ़ में बदमाशों ने की पुलिस से बदसलूकी, पेट्रोल पंप पर लगे जाम को हटवाने पहुंचा था जवान, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। कवर्धा में 3 करोड़ की लागत से बन रहा स्टेडियम अभी भी अधूरा, 5 साल पहले रमन सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ था निर्माण, लेट तकलीफी के चलते अब तक नहीं हुआ पूरा काम। छत्तीसगढ़ में मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान, 15 से 16 जून के बीच शुरू हो सकती है प्री मानसून बारिश, 17 से 18 तारीख के बीच मानसून के पहुंचने का है अनुमान। रायगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप वाहन के धक्के से बाइक सवार की हुई मौत, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा, मृतक युवक की अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। रायगढ़ में ज्वेलरी शॉप को बाप बेटी ने लगाया लाखों का चूना, दुकानदार की आंखों में धूल झोंक कर ले उड़े 2 लाख के जेवरात, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली में ई रिक्शा के चपेट में आने से मासूम की मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा, घटना के बाद आरोपी रिक्शा चालक मौके से फरार, पीड़ित परिवार गौर कपा से पूछा करके लौट रहा था। गोंडा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में स्टेयरिंग और केबिन में फंसा ड्राइवर, कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। जगदलपुर में महिला सरपंच के खिलाफ पंचों ने खोला मोर्चा, पंच पर लगाया तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप, प्रशासन से पद से हटाए जाने की मांग। बांद्रा में कोयला से लदा ट्रक पोल से टकराया और पलटा, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की कुछ चोट आई, बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने से इलाके में बत्ती गुल। सूरजपुर में गांजे की हो रही खेती पर पुलिस ने मारी रेड, 100 से ज्यादा पौधे पुलिस ने जब्त किए। देवास के गोला गुठान में आपसी रंजिश में 2 की गोली मारकर हत्या,
लंबे वक्त से दो परिवारों के बीच चल रहा था विवाद। गोलीबारी की घटना में एक की हालत है गंभीर। आगरमालवा के नलखेड़ा में सड़क हादसे में दो की मौत। तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारकर खेत में पलटी। हादसे में बाल बाल बची 5 साल की बच्ची की जान। रायगढ़ में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। युवकों ने दूल्हे के भतीजे के पेट में मारा चाकू। इलाज के लिए भटकता रहा शख्स। कवर्धा के पंडरिया पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश गाड़ी चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम। चोरी का माल बेचने निकले थे बदमाश। सूरजपुर से पकड़ा गया शातिर चोर। युवक के पास से चोरी की कार और बाइक बरामद। 2 महीने पहले ही जेल से छूटा था पकड़ा गया बदमाश। कवर्धा में बने नए बस स्टैंड तक पहुंचने में मुसाफिरों को हो रही दिक्कत। सड़क चौड़ीकरण नहीं होने के चलते लोगों को आ रही खासी परेशानी। सड़क को दुरुस्त कराए जाने की लोग कर रहे मांग। कांकेर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई। नशे में गाड़ी चलाने वाले सैकड़ों लोगों से अब तक वसूला गया जुर्माना। हादसों पर लगाम लगाने की है कवायद। छत्तीसगढ़ को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आने वाले 24 घंटों के भीतर लू के चलने के बने आसार। जांजगीर रायगढ़ मुंगेली बलौदाबाजार के लिए जारी हुआ अलर्ट। रायपुर के निजी अस्पताल में गर्भवती और नवजात की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने लगाया इल्जाम। इलाज में लापरवाही का आरोप। समय पर इलाज नहीं मिलने की कही बात। दुर्ग में सूने मकानों को निशाना बनाने वाले 3 चोर गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों में एक नाबालिग भी शामिल। बीते दिनों चोरों ने मकान से उड़ाया था 1 लाख रुपए का माल।